हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम हिंदी फर्स्ट में पार्ट 10 ऐसे मिली सजा नामक एक कहानी पढ़ेंगे। ऐसे मिली सजा, देखिए बच्चों, जब बार बार कोई व्यक्ति गलती करता है, बार बार अनुशासन को तोड़ता है, तो उसको उस अनुशासन में रहने के लिए हम सजा देते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी हम पढ़ेंगे कि जिसमें पेड़ अपना अनुशासन तोड़ते हैं और उनको अनुशासित रहने की सजा दी जाती है। यह उन दिनों की बात है जब पेड़ पौधे भी लोगों की तरह चलते फिरते और हंसते बोलते रहते थे। ठीक है, ये उन दिनों की बात है। एक इस कहानी के अनुसार एक समय ऐसा था जब पेड़ पौधे हंसते बोलते थे, इंसानों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते रहते थे। जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, घूमते हैं, वही हाल पेड़ पौधों का भी था। लोग सुबह उठकर देखते कि उनके दरवाजे पर कल रात तक लगा नीम का पेड़ गायब है और वहां पर एक अनार का पेड़ लहरा रहा है। रात को देखा तो नीम का पेड़ था और सुबह देखा तो अनार का पेड़ वहां पर लगा हुआ है। या फिर किसी के देखते देखते सामने खाली मैदान में अचानक वहां पर एक आम का पेड़ आकर डेरा डाल देता और अपने संगी साथियों को भी बुला लेता। कुछ ही देर में लोग पके हुए आम तोड़ लेते। कभी किसी के आंगन में लगा कटहल का पेड़ किसी दूर देश के लिए उड़ जाता और ऐसे ही घूमता घामता कोई सेब का पेड़ आकर कुछ दिनों के लिए वहाँ ठहर जाता। मतलब उनके आंगन में कभी आम का पेड़ आ जाता तो वो चला जाता, कभी नीम का पेड़ आ जाता, तो लोग ऐसे घर बैठे कई चीज़ें वो घर बैठे ही फल और फल फलों को तोड़ने का आनंद लेते थे और मीठे मीठे फल खाते थे। लोगों को बड़ी सुविधा थी, उनको घर बैठे ही तरह तरह के पेड़ों से तरह तरह की चीजें मिल जाया करती थी। उनको कहीं दूसरी जगह पे जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जिसको जिस पेड़ की जरूरत होती वह दूसरे पेड़ों के जरिए अपना संदेश भिजवा देता, इस तरह से कि हमें उस पेड़ की आवश्यकता है, उसको आज यहाँ भेज देना। इस तरह से वो जो पेड़ रहता था वो दूसरे स्थान पर जाता था, उसके पहले उसको वो संदेश पहुँचा देते थे। एक बरगद का पेड़ था जो ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था। एक बरगद का पेड़ था, उस गांव में बहुत पुराना था, उसकी बात सब मानते थे। वो बहुत बुजुर्ग था, बहुत बड़ा था उन सब पेड़ों में, और अगर कहीं जाता भी तो वो बताकर जाता। बहुधा लोग घर से बाहर जाते समय, बहुधा मतलब बहुत से लोग थे, वो जब भी घर के बाहर जाते तो उस बूढ़े बरगद की छांव में अपने छोटे बच्चों को रख जाते। जाते समय कहे जाते, बरगद बाबा इनका ख्याल रखना। मगर अन्य पेड़ अपनी घुबकड़ी स्वभाव के कारण कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए। साथ ही साथ उनमें यह अहंकार भी पनप गया कि वे मनुष्यों की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ और योग्य, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी मंशा से, अपनी इच्छा से चाहे जब भी घूम चले जाते और आ जाते, तो उनमें अहंकार आ गया कि भी हम भी मनुष्यों से कम नहीं है और हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। एक दिन पेड़ों को जाने क्या सूझी कि वे सब साथ उड़कर दूर पहाड़ों की ओर चले गए। हरे भरे पेड़ों के गायब हो जाने से चारों तरफ सूखा पड़ गया। क्या होगा जब एक स्थान पर घना जंगल है, बहुत सारी हरियाली है, पेड़ पौधे, और अचानक वो पेड़ गायब हो जाएंगे तो वहां पर सूखा पड़ जाएगा, चारों तरफ सूखा ही सूखा, धूप गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, धरती सूखने लगी। लोग परेशान हो गए, जो भी पेड़ उधर से गुजरता वे उससे वहां ठहरने का निवेदन करते, पर वो किसी की एक न सुनता। वहां पर सूखा पड़ गया, पेड़ एक भी पेड़ नहीं था, लेकिन लोग वहां के लोगों को अगर कोई ऐसा दिखता कि एक पेड़ वहां से गुजर रहा है तो वहां से रुकने का निवेदन करते कि हमें थोड़ी छांव तो मिलेगी, लेकिन वो नहीं सुनते थे। एक दिन उधर से गुजरते हुए एक बेर के पेड़ को उन पर दया आ गई, वो वहां कुछ दिनों के लिए रुक गया। मगर उस अकेले बेर के पेड़ से वहां के लोगों का क्या भला होने वाला था। अकेला एक बेर का पेड़ क्या कर लेता, क्या होता उसका। जब उसने देखा कि लोग उसे आम, नीम और पीपल के पेड़ों की तरह सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो उसे एक दिन वह भी वहां से नाराज होकर उड़ गया। उसको लगा कि मुझे वैसा सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो और वृक्षों को मिलता है, तो वो भी वहां से उड़ गया। काफी दिनों के बाद वे सारे पेड़ पौधे घूम फिर कर लौट आए, जो सारे एक साथ चले गए थे पहाड़ों की तरफ घूमने। जंगल फिर से हरा भरा हो गया, मगर इस बार वे कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो गए। तो उनमें ज्यादा ही अहंकार आ गया कि देखो हम कितने दिनों तक वहां रह के आए और लोग हमारे बिना तरस रहे हैं, हमारी कितनी जरूरत है इनको, तो उनमें अहम आ गया।
मगर इस बार वे कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो गए। जब उनका मन होता वे फल देते, जब मन होता वे छाया देते, जब मन होता वे हवा देते। लोग पेड़ों को समझाते बुझाते, उन्हें विनम्रता से रहने की सलाह देते, मगर पेड़ टस से मस नहीं होते, उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता। जब किसी व्यक्ति को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, हमें उसकी ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती चाहे, तो वो अहंकारी हो जाता है, वो सोचता है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही महत्व है। लोग पेड़ों के घमंड को देखकर चुप हो जाते और वो झुकते भी नहीं, वो सोचते कि हम तो बहुत बड़े हैं, हम किसी के आगे क्यों झुके। एक बार गर्मी की तेज धूप में दो बांस के पेड़ आपस में किसी छोटी सी बात पर लड़ पड़े। बांस के पेड़ थे जंगल में, वो आपस में किसी बात पर लड़ पड़े, उनमें लड़ाई हो गई। दोनों के टकराने से चिंगारी निकली, जब दोनों आपस में लड़े आपस में भिड़े तो उनमें चिंगारी उत्पन्न हो गई, और उस एक चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे जंगल में आग लगा दी। जब वो चिंगारी लगी तो सूखा तो वैसे ही पड़ रहा था, और उस चिंगारी से पूरे जंगल में आग लग गई। आग बढ़ने लगी, सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, उस आग में जंगल के अधिकतर जानवर और लोग भी जलने लगे। उस आग बढ़ने लगी, पूरे जंगल में आग फैल गई, तो पेड़ पौधे ही नहीं, उस आग में जंगल के अधिकतर जो जानवर थे जलने लगे। जंगल में भगदड़ मच गई, भागा दौड़ी मच गई, पर एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया था। वह अकेला बच्चा फूट फूट कर रोते हुए अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। उसकी करुण पुकार से पेड़ों का सरदार बरगद व्याकुल हो गया। जो बच्चा था उस आग लगी उसमें, उस आग में वो बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया और जोर जोर से रोने लगा। जो उसकी आवाज़ सुनकर जो सरदार था उन पेड़ों का, बरगद का, वो व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। उसने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। पेड़ पौधों की मूर्खता और घमंड से वह बहुत दुखी हो गया। उसने नाराज होकर पेड़ पौधों की एक सभा बुलाई। उस बरगद के पेड़ ने उनको सजा सुना दी कि अब से वे कहीं नहीं उड़ेंगे, न कहीं जाएंगे और न कुछ बोलेंगे। अपनी अपनी जगह पर अनुशासन से खड़े रहकर मौसम के अनुसार फल और फूल देंगे। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी गलती दोहराता है तो उसको अनुशासन में रहने की सजा इसलिए दी जाती है ताकि वो अपने जीवन में दोबारा उस गलती को नहीं दोहराए। उनसे कहा कि उसी दिन से अनुसार फल और फूल देंगे। कहते हैं कि उसी दिन से पेड़ों ने उड़ने चलने बोलने की शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया और समय के साथ वो शक्ति समाप्त हो गई। अब वे सिर्फ आसमान की तरह और ताकते हुए शायद अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते और पश्चाताप के आंसू बहाते रहते। उनकी सजा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब से ये पेड़ और पौधे एक ही स्थान पर रहने लगे। थैंक यू।